नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। GLC IAS परिवार के द्वारा मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का भाग 8 प्रश्नोत्तर हम जो करेंगे, भाग 8 करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग सभी जुड़ जाइए। चलिए देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या रहा दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। क्या क्वेश्चन है बेटा कि भेड़ाघाट पर जो है कौन सा जलप्रपात स्थित है। देखिए भेड़ाघाट जो जलप्रपात है, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से जो है सुन रखा होगा, ठीक है। ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, जिसमें से जो राइट आंसर होगा आपका होगा बी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, सॉरी फर्स्ट जो ए होगा वो आपका जो होगा राइट आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात जो है क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देती हूँ, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए भेड़ाघाट जो जलप्रपात है, ये बहुत ही फेमस जलप्रपात है आपका, ठीक है। देखिए भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, जबलपुर में। जैसे कि ये आपकी निकली माँ नर्मदा निकली आपकी, निकलते निकलते यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो आपका रहा ये जबलपुर रहा, है ना। ये कौन सी जगह बेटा, जबलपुर। ये आपकी नर्मदा जी निकली हुई है ना। तो नदी की बात करें हमसे, तो जो नदी है वो कौन सी होगी बेटा, हमारी नर्मदा नदी होगी। कौन सी नदी होगी, नर्मदा नदी होगी। और नर्मदा नदी पर ही जो कौन सा आपका जलप्रपात बना हुआ है, भेड़ाघाट जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका यहाँ पर ये भेड़ाघाट है। इस भेड़ाघाट पर जो जलप्रपात है आपका, जलप्रपात मतलब ये इस तरह का वाटर फ्लो जो होता है ये तो यहाँ पर इस भेड़ाघाट में जो जलप्रपात आपका बना है वो कौन सा बना है बेटा, धुआंधार। कौन सा बेटा, धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पर बना हुआ है आपके, भेड़ाघाट पर जो है बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब ये क्या है, एक पर्यटक स्थल, एक रमणीय पर्यटक स्थल है ना। पर्यटक स्थल मतलब यहाँ पर जो है लोग घूमने फिरने के लिए जो है यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब 50 फुट ऊपर गिरता है नर्मदा नदी जो है, यहाँ से 50 फुट ऊपर से जो है गिरती है। जिसका जल सफ़ेद धुएँ जैसा दिखता है। कैसे दिखता है बेटा, धुएँ जैसा, मतलब इतनी ऊपर से जब पानी जब गिरता है तो वो धुएं के समान ऊपर उड़ता है, ठीक है। और इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है बेटा, धुआंधार। इसी कारण से इसको बोला जाता है, किस कारण से, बहुत ऊंचाई से फ्लो होता है, गिरता है तो जो छोटी छोटी से पानी की जो बूंदें होती ऊपर उड़कर आती है, जो कि धुएं के समान दिखती है। नर्मदा प्रवाह के नर्मदा जो प्रवाह अन्य जो जलप्रपात है, अन्य जलप्रपातों का भी निर्माण जो है करती, मतलब जो नर्मदा जी आपकी जो बह रही है वो बहते हुए बहुत सारे ऐसे जलप्रपात है जो बनाती है, ठीक है। जैसे कि दुग्धधारा, कपिल धारा, शंभुधारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा जो आपके अमरकंटक में बनाएगी, सहस्त्रधारा आपके महेश्वर में बनाएगी, दर्दी बनाएगी आपकी खंडवा में बनाएगी, और जो है जारवानी जलप्रपात कहाँ बनाती है, गुजरात में बनाती। कहाँ बनाती बेटा, गुजरात में जो है बनाती है, ठीक है। देखिए वापस से ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। देखिए नर्मदा जी हैं आपकी, ये है ना नर्मदा जी बही, और इन्होंने नर्मदा जी पे बहुत सारे जो है फॉल्स बनाती, बहुत सारे जो है फॉल बनाती, ठीक है। तो जबलपुर में एक भेड़ाघाट एक स्थान है, वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात आपका बनता है जो कि 50 फीट ऊंचाई से गिरता है, जिसके कारण जो पानी की बूंदें वो ओस के समान ऊपर उड़ने लग जाती है, जिसके कारण वो एकदम धुएं जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। ये जो एक पर्यटक स्थल है, मतलब घूमने फिरने के लिए लोग विदेश से जो है आते हैं, देश विदेश के लोग जो वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नर्मदा नदी है आपकी जो नर्मदा नदी है, ये बहुत सारे जो है जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसे कि पहला आपका दुधधारा, कपिल धारा, शंभुधारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। देखिए एक और इसकी बहुत बढ़िया शानदार वाली ट्रिक बताती हूँ, जिसमें भी धारा आया समझ जाना वो कौन सा आपका नर्मदा नदी के ही जलप्रपात है। जिसमें धारा आया मतलब वो नर्मदा नदी के ही जलप्रपात आपके दोस्तों बने हैं, ठीक है। अब जैसे कि दर्दी जलप्रपात वो आपके खंडवा में आता है। जरवानी ये वाला नहीं पता होगा, जरवानी कहाँ पर आता है मेरे बच्चों, गुजरात में आता है। कहाँ पर आता है, गुजरात में आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए बेटा मैं आपको इसके अलावा भी ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ बेटा। देखिए भेड़ाघाट जो जलप्रपात है आपका, थोड़ा सा इसका हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं।
पिक्चर फॉर्म भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को नहीं पता होगा बेड़ाघाट जलप्रपात के बारे में। ठीक है, ये रहा आपका जो है, ये देखिए कितने ऊंचाई से पानी गिरा और ये धुएं के समान उठ रहा है। ठीक है, ये धुएं के समान उठ रहा है। यहाँ पर जो है इसके बारे में बताती हूँ मैं आपके आपसे, क्योंकि बेटा इससे हमेशा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्वत संगमरमर के, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत है वो कैसे है, संगमरमर जैसे पर्वत है, संगमरमर जैसे कैसे पर्वत है, वाइट जो संगमरमर आपका आता है जो घर में हम लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं उसे वैसे ही, जैसे कि संगमरमर की बहुत सारी चीज़ें बनती है सारी, वो इसी से ही यहाँ से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस किताबी लैंग्वेज के अलावा भी कुछ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ बेटा, कि जो भेड़ाघाट है यहाँ पर जो होता है, जो जो हम पर्यटक लोग जो आते हैं घूमने, तो वहाँ पे उसकी जो ये नर्मदा नदी का जो भेड़ाघाट है, यहाँ पर मतलब बहुत सारी नावें होती हैं, भेड़ाघाट का पूरा एक जो है चक्र पूरा करा जाता है, जैसे माँ नर्मदा का चक्र बोला जाता है, मतलब भेड़ाघाट का पूरा चक्र पूरा करा जाता है, जहाँ पर कि जो जो संगमरमर के जो पत्थर है वो पता ऐसे लगता है जैसे कि छोटे छोटे सी भगवान की मूर्तियां हैं जिनको ऐसे चिपका कर वहाँ पर रख दिया है। और इतना सुंदर दृश्य होता है जब धूप आ जाती है और जब धूप पानी में गिरती है और जो पानी की जो छाया है वो उन संगमरमर के पत्थरों पर जब पड़ती है तो बहुत ही सुंदर देखने वाला जो है दृश्य होता है बेटा। ये जो संगमरमर के जो मतलब पहाड़ हैं, यहाँ पर अपने जो इंदौर की अहिल्या देवी जो है, इन्होंने इन्होंने एक वाइट कलर के शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना करी है जो कि बहुत ही फेमस है ना। और उसके बाद में जो है यहाँ पर जैसे माँ नर्मदा जी जब निकली थी, माँ नर्मदा जी का जब उद्गम हुआ था वहाँ पे, तो ऐसा ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने वहाँ पर जो संगमरमर के पत्थर बने हुए हैं, वह ऐसे मक्खन के पर्वत वहाँ पर बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आपका जो ये जो भेड़ाघाट का जो जलप्रपात है, भेड़ाघाट जो है आपका, इस भेड़ाघाट को भारत का कैनन बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों अपने को इसके अलावा भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है आपके उठकर आते हैं। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की, जो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पचमणी में अप्सरा फॉल्स को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए पचमणी जो है आपका आपका जो सतपुड़ा रेंज में जो महाकाल जो श्रेणी आती है, यहीं पर आपका जो है पचमणी आता है महादेवी श्रेणी में। इस महादेव श्रेणी में जो है नदियाँ प्रवाहित होती है, नदी प्रवाहित होती है, ये नदियाँ ही जब बहती है तो बहुत सारी सहायक नदियाँ भी बहती है नदियों के साथ में, तो ये नदियाँ ही क्या बनाती है, फॉल्स का निर्माण करती है। और ये जो फॉल्स जो होते हैं बहुत ही लुभावने होते हैं, देखने लायक होते हैं, जो कि पर्यटनों को बहुत ही लुभावित करते हैं, है ना। इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा बेटा, जो ए होगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो अप्सरा फॉल्स है इसे परी फॉल्स भी बोला जाता है। अप्सरा फॉल्स को क्या बोला जाता है बेटा, परी फॉल्स भी बोला जाता है। देखिए ये रहा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये जो है आपका रजत जलप्रपात है। देखिए जो आपकी पचमणी नदी पचमणी में है वह बहुत सारे जलप्रपात का जो है निर्माण करती है, और वो जो जलप्रपात होते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत बार ही इन फॉल्स से क्वेश्चन जो है बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये जो आपका कौन सा है, रजत जलप्रपात है, जिसको सिल्वर फॉल्स भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, सिल्वर फॉल्स भी इसको जो है बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये रहा आपका, ये जो फॉल आपका डेसच फॉल है, कौन सा है, डेसच फॉल है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो पचमणी में जो फॉल्स बनते हैं आपके, रजत फॉल, डेसच फॉल, बी फॉल, अप्सरा फॉल, ये सारे फॉल जो बनते हैं, जलप्रपात जो बनते हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पचमणी में कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात मतलब वही कि कोई भी नदी जो ऊपर से बहेगी तो एक पानी की एक धारा बहती है, उसे ही जलप्रपात बोला जाता है। फ्लो के साथ बहती है, बहुत तेज वेग के साथ बहती है, वही होता है हमारा जलप्रपात। तो नदियाँ जो जलप्रपात बनाएगी, पचमणी के जलप्रपात से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेगा कि रजत जलप्रपात कहां पर है, अप्सरा जलप्रपात कहां पर है, बी फॉल कहां पर है, जिसको बी फॉल को वी फॉल भी बोला जाता है, और अप्सरा फॉल भी कहां पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये आपके कहां पर है, पचमणी होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका अप्सरा। मैं आप लोगों के लिए इमेजेस लेकर आई हूं, क्योंकि बेटा क्या होता है इमेजिनरी फॉर्म से हम लोगों को चीजें याद रहती। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों MPBSC की, हमारे GLC परिवार के द्वारा MPBSC के मेंस की इंग्लिश और हिंदी मीडियम की
दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है बेटा, 23 जून से आप लोग स्टार्ट होने वाली। आप जो है हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा आप लोग जुड़ सकते हैं। बेटिया बेटा देखिए, क्योंकि जो हमारे पास जो है बेस्ट टीचर है और बेस्ट चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन। और आपका जो है एबीसीडी चार ऑप्शन दिए गए हैं। गाथा जलप्रपात, आपका गाथा जलप्रपात जो है आपका कौन से जिले में आता है, आपके पन्ना जिले में आता है। कहाँ पर आता है बेटा, पन्ना जिले में जो है आपका गाथा जलप्रपात आता है। ठीक है, इसके बारे में जो है आप लोग रीड करिए इसको और देखिए। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों को दे देती हूँ, ताकि क्या होता है कि किसी भी चीज़, जैसे मान लो मैंने एक आपको एक टॉपिक समझाया, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में बस मैंने बोल दिया कि हाँ ये है, आपको याद कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसके बारे में जैसे आपको मैंने भेड़ाघाट बताया, आप कभी भी नहीं भूलोगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे जो डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दिया है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही उस चीज़ को याद करवाते हैं, है ना। चलो तो जैसे कि देखिए, आ जाइए हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा गाथा जलप्रपात। देखिए गाथा जलप्रपात से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। गाथा जलप्रपात जो है आपका पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ पर है बेटा, पहला क्वेश्चन जिले वाइज पूछ लेगा, आपके पन्ना जिले में है। यह जलप्रपात भारत का कौन सा 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी बेटा 91 मीटर है। कितनी है, 91 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कौन सा बेटा, गाथा जलप्रपात। गाथा जलप्रपात कहाँ पर आता है आपका, पन्ना में आता है। कहाँ पर आता है, पन्ना में आता है। और जो कि यह क्या है 36वें नंबर का, आपके जो भारत का 36वें नंबर का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है आपका गाथा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि आपको जो है यह क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका गाथा जलप्रपात। ठीक है, देखिए कितना सुंदर व्यू है और इसकी हाइट भी देखिए कितनी है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे एग्जाम में चाहे याद आया ना है, लेकिन इमेज से आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात बेटा, केवटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। एबीसीडी जो है हमारे पास चार ऑप्शन दिए, एबीसीडी बेटा हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा बेटा, डी महाराणा नदी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, महाराणा नदी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराणा नदी होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए केवटी जलप्रपात जो है आपका कहाँ पर बनेगा बेटा, रीवा जिले में। कहाँ पर, रीवा जिले में। देखिए जिले वाइज अगर पूछ ले तो क्या आएगा आपका जो है, कौन सा आएगा बेटा, रीवा। कहाँ पर बनेगा केवटी जलप्रपात, कहाँ बनता है आपका बेटा, रीवा में। रीवा में यह भारत का 24वें नंबर का झरना है। कौन सा नंबर का, भारत का 24वें नंबर का है। ठीक है, यह नदी टोंस की सहायक नदी महाना पर बनता। अब देखिए जो टोंस नदी है आपकी, टोंस नदी है, टोंस नदी की जो सहायक नदी महाना, इस नदी पर ही जो ये क्या बनेगा आपका, ये केवटी जलप्रपात यहाँ पर बनेगा। ठीक है, रीवा के पठार के नीचे आता है, जो कि रीवा के पठार के नीचे आता है। इसकी कुल ऊंचाई है 98 मीटर है। कुल ऊंचाई कितनी बेटा इसकी, केवटी जलप्रपात की 98 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि कैमूर रेंज का एक हिस्सा है। कैमूर रेंज आपकी ये रही, देखिए ये रही आपकी विंध्याचल श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी, ये रही कैमूर रेंज ऊपर, ये नीचे भांडेर रेंज। ठीक है, तो ये जो कैमूर रेंज है आपकी, ये जो कैमूर रेंज है, इस कैमूर रेंज का ही जो है ये हिस्सा है। और चित्रकूट पहाड़ियों के किनारे रीवा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ पर, चित्रकूट की पहाड़ियों के किनारे। अब देखिए आज तक नहीं पढ़ा होगा कि चित्रकूट की पहाड़ियाँ आती है कि नहीं आती, लेकिन चित्रकूट की पहाड़ियाँ भी स्थित है। और जो है आपका यहाँ पर ये चित्रकूट की पहाड़ियों के किनारे रीवा जिले से 40 किलोमीटर दूर। देखिए कोई फॉल्स सिटी में नहीं बन जाते, नदियाँ जहाँ से कोई सिटी में नदियाँ नहीं बहती, नदियाँ बहती है सिटी के आसपास, शहर के आसपास, शहर से थोड़ा सा दूर। उसी तरीके से रीवा से भी 40 किलोमीटर दूर यह जो है अपनी किस कौन सी चित्रकूट की जो पहाड़ियों के किनारे जो है ये जो है जलप्रपात आपका बनता है। ठीक है, आई होप कि जो आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। अब देखिए कैविटी आपके बता दिया, कैविटी के बारे में चीज़ें बता दी, तो आप लोगों को जो है वो याद रहा ना रहे, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन ये ज़रूर याद रहेगा और आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे से ठीक इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका कैविटी जलप्रपात। देखिए इतनी अच्छी पिक्चर्स तो नहीं है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा पिक्चर दिखाऊं जिससे आपको जो है याद रहे। ये आपका रहा कैविटी, देखिए अभी बारिश तो हो नहीं रही तो बनने से रहा, वरना हम लोग साथ चल के देख कर आते, ठीक है। तो अभी आप लोग यहीं पर इसको विजुअलाइजेशन कर लो, यहीं पर ही देख लो, ठीक है। ये कौन सा जलप्रपात है बेटा आपका? कैविटी जलप्रपात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहा पांडव फॉल्स कहाँ पर स्थित है। पांडव फॉल्स आपका कहाँ पर स्थित है? ए बी सी डी जो है आपके आपके पास क्या चार ऑप्शन है? ए बी सी डी क्या है बेटा आपके? चार ऑप्शन है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका? पांडव फॉल्स कहाँ पर आता है आपका? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर आता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आपका जो है पांडव फॉल्स जो है आता है, ठीक है। पांडव फॉल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। देखिए पांडव फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है, मतलब पांडव जो फॉल्स है आपका कहाँ पर आता है? पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के समीप आपका क्या आता है? पांडव फॉल्स आता है। यह केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है, केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। केन की पन्ना बाघ रिजर्व जीवन रेखा, यहाँ की जो जीवन रेखा बोला जाता है किसको भैया? केन को, केन नदी को पन्ना बाघ रिजर्व की जीवन रेखा बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पांडव की जो है यहाँ पर गुफाएं हैं, यहाँ पर किसकी? गिरी और कंधार की गुफाएं हैं। और पांडव फॉल स्नेह के समीप स्थित है, मतलब जो स्नेह फॉल है आपका, स्नेह फॉल और जो पांडव फॉल है दोनों ही समीप हैं, ठीक है। पांडव फॉल पन्ना शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था बेटा कि पांडव की गुफा भी है, किनकी? पांडव की, क्योंकि जो पांडव जो आए थे अज्ञातवास जो इन्होंने पांडवों ने किया था, पांडव जब यहाँ पर आए थे मध्य प्रदेश में अपने, तो जब उनको यहाँ पर पांडव जो आए थे तो पांडव के अज्ञातवास के कारण वो वहाँ पर रुके थे, और इसी कारण से उस गुफा का नाम पांडव दे दिया है, और उसी कारण से जो है जलप्रपात का नाम भी क्या दे दिया? पांडव फॉल आपका दे दिया, ठीक है। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये रहा आपका पांडव फॉल्स, है ना सुंदर? बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका पांडव फॉल्स, क्योंकि पांडव जब आए थे ठीक है, तो वो अज्ञातवास इनका रहा, और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये रहे। इन्होंने जो उनका इनको जो पनिशमेंट मिली थी वो इन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट जहाँ जहाँ इनको बिताना था कि गुप्त रहना है, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पांडव लोग कहाँ रह रहे, अज्ञातवास जिसे बोला जाता है, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके वो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? पांडव जलप्रपात नाम पड़ा, ठीक है। चलिए देखिए MBBS की टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जिसमें आपके जो रहेंगे सेट कितने रहेंगे? 1000 क्वेश्चंस के जो है सेट रहेगा। आप लोग हमारी जो GLC ऐप है उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप लोग फ्री में जो है PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पातलपानी जलप्रपात किस नदी पर बनता है? कौन सा दोस्तों? पातलपानी जलप्रपात आपका जो है किस नदी पर बनता है? देखिए दोस्तों ABCD जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, और ABCD चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा आपका? राइट आंसर जो होगा आपका ए जो है राइट आंसर होगा। ए क्या होगा बेटा आपका? राइट आंसर जो है होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। ये रहा आपका पातलपानी, अच्छा है ना सुंदर पातलपानी। ये जो बना हुआ आपके चंबल नदी पर ही बना हुआ है पातलपानी, कौन सा? चंबल नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही सुंदर व्यू, अचानक से यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है। पानी क्या होता है, एकदम से लेवल इसका बढ़ जाता है। बहुत ही सुंदर व्यू है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। चंबल नदी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चंबल नदी जो है आपकी, देखिए देखिए चंबल नदी जो है आपकी निकलती कहाँ से निकलती बेटा? जाना पाओ पहाड़ी से आपकी निकलती है, ठीक है। चंबल नदी जो निकलती आगे आगे बहते हुए इधर जो है मिल जाती है, बिल्कुल यहाँ से सीमा से बहते हुए, ठीक है। तो ये जो जलप्रपात का निर्माण करती है इंदौर में दो जलप्रपात बनाती, एक तो कौन सा बनाएगी आपका? पातलपानी बनाएगी। एक कौन सा बनाएगी? पातलपानी बनाएगी। और दूसरा कौन सा बनाएगी? झाड़ीदा बनाती। एक और बनाती चंबल नदी चूलिया जलप्रपात, कौन सा बनाती? चूलिया, जो कि कहाँ बनेगा आपके? राजस्थान में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आता है किसका जाता है आपका? राजस्थान का जाता है। ये वाला पोर्शन किसका जाता है बेटा? राजस्थान का जाता है। तो पातलपानी, झाड़ीदा
और चूलिया जलप्रपात, ये सारी नदी, ये सारे जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है आपकी? चंबल नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा आपका पातल पानी वाला जो व्यूज है, ये देख लीजिए पातल पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पावा जलप्रपात बरसाती झरना किस जिले में बनता है? कौन सा बेटा? पावा जो जलप्रपात है आपका, निम्न में से किस झरने, मतलब कौन सी बरसाती झरना जो कि किस जिले में बनता है? ठीक है, कौन सा? पावा जो जलप्रपात है आपका। ठीक है, पावा जलप्रपात से जो है क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में डेफिनेटली ही आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ए बी सी डी में से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? शिवपुरी जो है राइट आंसर होगा। ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा? शिवपुरी में जो है आपका पावा जलप्रपात जो है बेटा बनता है। ठीक है, चलिए देखिए ये जो आपका शिवपुरी में वाला जलप्रपात जो आपका बनता है, ठीक है, ये है 50 फीट, मतलब ये जो बरसाती झरना है आपका जो शिवपुरी में बनता है, तो ये 50 फीट गहराई में गिरता है और जो एक एक फॉल होता है, एक जो है फॉल आता है यहाँ पर पौहरी टाउन, पौहरी टाउन से बहता है वह, ये कहाँ गिरता है? पावा कुंड में ही गिरता है पानी। पानी इकट्ठा कहाँ पर होता है? पावा कुंड में जो है इसका पानी इकट्ठा होता है और ये जो पावा जलप्रपात है आपका जो है शिवपुरी में बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? गांगुल पारा जलप्रपात बालाघाट में किस नदी पर बनता है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बेटा, गांगुल पारा जलप्रपात बालाघाट में किस नदी पर बनता है? एबीसीडी जो है हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर होगा हमारा सी जो है राइट आंसर होगा। कौन सी नदी पर बनेगा बेटा? वैनगंगा नदी पर बनेगा। कौन सी नदी पर बनेगा? वैनगंगा नदी पर बनेगा। नदियाँ मैं पहले ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो जो गांगुल जलप्रपात है आपका कहाँ बनेगा? आपके वैनगंगा नदी पर बनेगा। कहाँ पर? वैनगंगा नदी पर बनेगा, बालाघाट में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोग आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बस यही उम्मीद है मुझे, और अच्छे से मेहनत करिए, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, खूब अच्छे से मेहनत करो, मन लगा के सफलता आपको ज़रूर मिलेगी बेटा। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको जो है करना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।